हम मूवी जो प्लेटफॉर्म के द्वारा जो टेस्ट सीरीज लाई गई है, बेसिकली जो प्रैक्टिस सेट लाया गया है उसको बना रहे हैं। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां बनाएंगे बीपीसी टीचर के लिए। और अगर इसके अलावा और भी कोई आपको प्रैक्टिस सेट देखना है तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, और दूसरे प्रैक्टिस 1 से लेकर 4 या केन पब्लिकेशन किसी का भी प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन देखना है तो नीचे दिए गए लिंक है उस पर क्लिक कीजिए, और हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी लोग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 8 रूट 15 इनमें से किसके बराबर है? तो करना क्या है आपको, लिखते हैं 8 माइनस 2 रूट 5 रूट 3। अब ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये 5 प्लस 3 8 होता है और √5 √3 लिख दे रहे हैं। ठीक, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, 8 को लिख दीजिए अभी, 5 प्लस 3 माइनस 2 √5 √3। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आप ए मान लीजिए, ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर, ये ए हो जाएगा या बी हो जाएगा, ये क्या हो? और यहाँ पे माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ए माइनस बी मतलब कितना, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर रूट अंडर तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो √5 माइनस √3 बस बच जाएगा इसमें, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया, तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भुगतान किया, यूसुफ ने सचिन का 1/2 भुगतान किया, यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न कौन सा है? अब देखिए, माना कि सचिन ने, यहाँ पे जैसे देख लीजिए, यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न कौन सा है? 3 दोस्तों एक पार्टी का आयोजन, तनवीर ने यूसुफ का और यूसुफ ने सचिन का किया। कहने का मतलब यूसुफ, देखिए यूसुफ ने सचिन और तनवीर ने यूसुफ का किया, कहने का मतलब सचिन एक तरह से रेफरेंस मान दो, तो यूसुफ सचिन का कुछ पार्ट किया और तनवीर यूसुफ का कुछ पार्ट किया, मतलब तनवीर और सचिन के बीच में भी आराम से रिलेशन निकल जाएगा यहाँ पे, तो ये हमें करना है यहाँ पे। तो यूसुफ ने किया या सचिन ने किया, 100 रुपये। यूसुफ ने कितना किया, आधा किया है इसका, 1/2। तनवीर ने किया है, तनवीर ने, टी से तनवीर, तनवीर ने किया है यूसुफ का 2/3, यूसुफ का कितना हो गया, 1/2 हो गया, इसका 2/3 क्या है, तो मतलब 1/3 क्या है। अब देखिए, ये तीनों का जो व्यय है टोटल भुगतान, अब निकाल लीजिए टोटल भुगतान कितना किया गया तीनों का मिला के, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 = 6 आ जाएगा नीचे, और 6 प्लस 3 प्लस 2 x, तो 6 × 3 = 11/6 हो गया है x। और हमें निकालना है क्या, यूसुफ का भिन्न कितना है, यूसुफ का इस टोटल में से कितना आ जाएगा। ठीक, इसका अपना कितना है, 11/2 x, और उसका टोटल कितना है, 11/6 x, ये हो जाएगा आपका, ये सॉरी 1/2 था ये ना, 1/2 है ना, क्योंकि आधा किया था वो सचिन के मुकाबले, आधा किया तो 1/2 है, 1 से 1 कट जाएगा और ये 6 आ जाएगा ऊपर और 2 नीचे चला जाएगा, 11 ऐसे आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, 3/11 हो जाएगा आंसर इसका, दूसरा का 3/11 आंसर हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा इसका दूसरे का। तीसरा है, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है, यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या का 7 गुना हो जाएगा, तो मूल संख्या के 4 गुने के बराबर कौन होता है? तो देखिए, 12 तो 8 प्लस 4 12 हो जाएगा, अब उल्टा कर दीजिए तो 28 कर दीजिए, उल्टा हुआ तो 48 हो जाएगा। यही बोला है कि प्राप्त नई संख्या का 7 गुना, इसका 7 गुना, एक सेकंड रुकिए, इसका 7 गुना, 48 का 7 गुना मूल संख्या के 4 गुना के बराबर है, मतलब 84 का 4 गुना 48 के 7 गुना के बराबर है, ये तो होता ही है 12 × 7 = 84, 12 × 7 × 4 हो जाएगा फैक्टर, ये होता है 12 × 4 × 7, बिल्कुल 12 × 4 = 7 इसका भी फैक्टर है, 12 × 4 = 7 इसका भी फैक्टर, तो मतलब दोनों बराबर हो गया, इसका आंसर 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ए आंसर हो जाएगा इसका। बहुत छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें, और इसके कंसेप्ट थोड़े से देख लीजिए, अगर आपको 2 अंक का कोई नंबर दिया है ए बी, मान लीजिए ए है, मतलब ये इकाई पे है दहाई पे है, ठीक ना,
इसको ऐसे लिखते हैं, टेन ए प्लस बी, और ऐसे ही इसको उल्टा कर दिया तो बी ए हो गया, टेन बी प्लस ए। तो इसको जो दे रखा हुआ कि ये इसका सात गुना इसके ओरिजिनल के चार गुने के बराबर है, सॉरी नहीं, ओरिजिनल के सात गुने या जो भी इसका दिया ये इक्वल टू कर दीजिए, उससे भी आंसर आ जाएगा। और ए प्लस बी आपको दे रखा है, ए प्लस बी आपको दे रखा है 12, उसको भी सॉल्व करने से उससे भी निकल जाएगा आपका ये आंसर आ जाएगा, और ऑब्जेक्टिव तरीके से भी ऐसे आ जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 558 से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 558 का हम देख सकते, 88 का हम देख सकते हैं, पहले फैक्टर निकालना पड़ेगा 588 दो है, दो दूनी चार, नौ दूनी 18, चार 28, दो से मल्टी कीजिए एक, चार दूनी 8, सात दूनी 14, अभी 147 कटेगा क्या किसी से, 4 3 12 13 14, हाँ 3 से कट जाएगा, 4 3 12 और 9 3 27, और ये 7 स्क्वायर है, ठीक है। तो ये किस क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 स्क्वायर। तो देखिए हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब समझ जाइए, ये सब स्क्वायर में आना चाहिए, ये भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, ये तो स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर चाहिए, तो मतलब इसको 3 से गुना कर देंगे तो 3 स्क्वायर बन जाएगा, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 3 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बी से, बी में बी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका इस इक्वेशन का कि गुणनखंड क्या होंगे, इसमें करना क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 11xy प्लस 24y2, एक्स स्क्वायर प्लस 11xy प्लस 24y2, इसको हम लिख देते हैं ऐसे। अब फैक्टर करने में ध्यान ये रखते हैं, इसका कुछ यहाँ यहाँ प्लस थोड़े, xy प्लस कुछ इंटू वाई इंटू एक्स ये होना चाहिए, ठीक। देखिए तो 24 को हम इस तरह से तोड़ते कि 11 के कुछ सम में आना चाहिए, ताकि उसका सम ना 11 होना चाहिए और इंटू इना 8 और 3 छोड़िए, तो 8 और 3 का सम कीजिएगा तो 24 11 आ जाएगा और इंटू कीजिएगा तो 24 आएगा। तो यहाँ पे करेंगे क्या, 8 कर देंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे और फिर ये 24y2 रहेगा। ऐसे तोड़ेंगे फैक्टर ऐसे निकलता है ना, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 3xy प्लस 24y2। तो x कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, x प्लस 8y प्लस 3 कॉमन लीजिए, 3y यहाँ पे कॉमन लीजिए, 3y इक्वल टू कहाँ गया, x प्लस 3y, 3y यहाँ भी है, x प्लस 8y, 3 x प्लस 8y यहाँ भी, यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3y यहाँ भी आ जाएगा, तो यही इसके फैक्टर हो जाएंगे। यानी कि मतलब दोनों में प्लस है, तो दोनों में प्लस है तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पांचवा का सी है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, ये होल संख्या, होल नंबर है, तो बिल्कुल होल नंबर, सभी हर एक होल नंबर इंटीजर होता है, ये गलत है, क्योंकि तो 0 जो होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता, प्राकृतिक संख्या नहीं होती, तो ये गलत है ना। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक मतलब इंटीजर, परिमेय संख्या होता है, परिमेय तो होता नहीं है, हर एक मतलब फ्रैक्शन में कैसे होता है, नहीं हो सकता, प्रत्येक पूर्णांक मतलब पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल, क्योंकि आप इंटीजर जो होता है 5 होता है, इसको 5/1 लिख सकते हैं, -1 है तो इसको -1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय पूर्णांक नहीं होता, जैसे 3/4 है, इसको इंटीजर थोड़े बोलते हैं, इसको आप इंटीजर में नहीं ले सकते, तो इसका आंसर डी 2 हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है, अंश जो है तो न्यूमिरेटर है ना, एक
सातवां क्वेश्चन, एक भिन्न का अंश, उसके हर से दो कम है, हर से दो कम है, तो अगर हर मान लिए एक्स तो अंश कितना हो जाएगा, एक्स माइनस टू। ठीक, यदि हम अंश से दो हटा देते हैं, अंश से आपने दो हटा दिया, एक्स माइनस टू हटा दिया, ठीक, और हर से दो जोड़ते हैं और एक्स प्लस टू कर दिया, तो भिन्न एक बटा तीन हो जाता है, यही करना था हमको, तो ये एक्स माइनस चार हो जाएगा, एक्स बटा दो हो जाएगा, ये एक्स माइनस चार, ये एक्स प्लस दो हो जाएगा, ये एक बटा तीन दिया हुआ है। तो थ्री एक्स माइनस बारह इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो टू एक्स इक्वल टू चौदह, एक्स इक्वल टू सात, तो सात हो गया आपका, हर सात आपका हर हो गया और अंश हो गया एक्स माइनस फाइव मतलब पाँच, तो सातवां का ये आंसर हो जाएगा इसका। तीन संख्याओं का योग 98 है, 98 है, पहले से दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरे से तीसरी का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या को बताएं। देखिए मान लीजिए हमको ये ए बी सी कोई तीन संख्या, ए बी सी तीन संख्या, ए इज टू बी दे रखा है 2:3, बी इज टू सी दे रखा है तीन संख्या ए बी सी, तो 5:8, तो हम इसको कॉमन इसको वो कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, है ना, ताकि ए इज टू बी इज टू सी कर सकें हम, इसको कर देंगे तो पाँच, इसको पाँच से इंटू करेंगे, इसको तीन से इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 10 इंटू 15 इंटू 8 × 3 = 24। ठीक, तो ये हो गया इसका ए इज टू बी इज टू सी, और ये बोला है योग जो है 58 है, तो दूसरी संख्या हमको निकालना है यहाँ पर, टोटल ये सम करने से कितना आ रहा है आपको, कीजिए 15 + 24 ये हो गया 39 + 10 49, तो टोटल 49 हो गया, हमको दूसरी संख्या निकालना है वो कितना पार्ट है, तो 49 का 15 पार्ट है और टोटल योग कितना था, 98 था, तो 49 से ये भी 7 बटे कट जाएगा, ये 7 बटे कटेगा तो ये आपका आ जाएगा 2 × 7 = 28, 2 बटे कट जाएगा एक्चुअली, ये 49 × 98 होता है, 15 × 30 हो जाएगा, इसका 30 आंसर हो जाएगा, दूसरी संख्या 30 हो जाएगी, है ना, बी आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन, जब एप्पल के अक्षरों को कितने तरीके से सजाया जा सकता है, अब देखिए हमें परमुटेशन में पता है कि जितने लेटर 1, 2, 3, 4, 5 उतने तरीके से सजाया जाता है, फैक्टोरियल 5 पर, 5 फैक्टोरियल पर, यहाँ पर 2p रिपीट हो रहा है, एक्चुअली तो यहाँ 5 है ना, यहाँ पर 4 ही हुए, तो इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 जो होता है ना 720 होता है, अब 2 से कर दिए, 5 जो होता है 4, 3 होता है 6, 4 × 5 पाँचों का 20, 6 120 होता है, ये 120 होता है, डिवाइड बाई 9 अति ये 2 कर दिए तो हो जाएगा आपका 60, दूसरा का हो जाएगा 9वां का बी हो जाएगा। 2 घंटे में एक व्यक्ति, 10वां क्वेश्चन, 2 घंटे में एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की एक दूरी का कुछ भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चलकर तथा कुछ भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा से साइकिल पर तय करता है, साइकिल तो द्वारा तय की गई दूरी निकालिए। देखिए इन्होंने बोला 2 घंटे में एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की एक दूरी का कुछ भाग 3 घंटा प्रति गति से पैदल चल लेता है, फिर वो 10 किलोमीटर से साइकिल पर तय करता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो पैदल अब वो 3 किलोमीटर चल रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है और साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो साइकिल द्वारा तय की गई, टोटल इसको 2 घंटे लग रहे हैं ना, और 8 किलोमीटर जाना है, तो हमको पता है पहले तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, यहाँ पे दो दो स्पीड है, तो डिस्टेंस कितना है, 8 किलोमीटर है। मान लीजिए वो साइकिल, वो क्या बोलते हैं हमें क्या है, साइकिल द्वारा दी गई दूरी का ज्ञात, तो साइकिल का मान लीजिए टी टाइम लग रहा है, तो पैदल कितना लग रहा है, 2 − t टाइम लग रहा है, स्पीड कितना दे रखा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा,
इंटू स्पीड कर दिया, फिर इसका स्पीड कितना हो गया, टी टाइम लग रहा है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा लग, तो यहाँ से पहले टी निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, तो 8 = 3 × 6 − 3t + 10t = 6 + 7t, तो यहाँ से निकल जाएगा इसको और इसके करके t = 2/7। टू बाई सेवन निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा आपका 2/7, t = 2/7। अब आपको निकालना है इसके द्वारा तय की गया, तो 2/7 टाइम है, स्पीड इंटू कर दीजिए 10, तो 20/7 इससे इससे डिस्टेंस हो गया। इसी को कैसे निकल सकते हैं आप, 20/7 था उसको आप लिख सकते हैं ना, 2 + 7 × 14 + 20/7, ये आंसर है इसका। दाल के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति 350 रुपये में 7 किलो दाल अधिक खरीद पाता है, तो दाल का प्रति किलो घटा मूल्य क्या है। तो ये क्वेश्चन में दाल के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति 350 रुपये में 7 किलो दाल अधिक खरीद लेता है, तो दाल का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य क्या है। तो मतलब 350 रुपये वो ले गया दुकान में, ठीक, और 30% की कमी हो गई, जैसे ले गया पता चलेगा 30% का कमी हो गया, तो दुकानदार क्या किया, उसको पैसा नहीं लौटाया, 30% का कमी का जितना कम अगर दाम होगा तो पैसा तो लौटा देना चाहिए, पर उसने पैसा नहीं लौटाया, उसने क्या किया 7 किलो दाल एक्स्ट्रा दे दिया, यानी क्या मतलब 30% × 17 = 350, क्योंकि आप सॉल्व कीजिएगा तो 105 आ जाएगा, ठीक, 105 रुपये उसका कमी हो चुका है, मतलब 105 रुपये उसको लौट देना चाहिए था, पर 105 रुपये में वो 7 kg दाल दे दिया, मतलब 105 रुपये में 7 kg दाल मिलता है, है ना, तभी तो 7 kg दाल एक्स्ट्रा दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना कि 105/7 = 15 रुपये, ये जो 15 रुपये में अब दाल मिल रहा है तभी तो उसको 7 kg एक्स्ट्रा दाल मिल गया, है ना, तो आज का दाल का दाम है 15 रुपये, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसको क्वेश्चन को देखिए, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार मैदान में थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 55% वोट मिला, जबकि तीसरे स्थान पर है तो 5% वोट मिला, अगर चुनाव में हार जीत का फैसला 9000 मतों से हुआ तो चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या क्या थी, अगर डाले गए कुल वोट। देखिए थोड़ा सा यहाँ समझना पड़ेगा प्रैक्टिकलिटी, पहला को जीतने वाले को मिला 55% और लास्ट में मिला 5%, और बीच वाले को मिल गया मतलब 40%, तभी तो सब होगा 100% हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हार जीत का फैसला ना कौन लोग कर रहे हैं, ये 5% कुछ नहीं कर रहा, यही दोनों कर दे रहा है 55% और 40%, ठीक, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 15%, तो 15% मतलब दोनों का डिफरेंस है वोट का, मतलब 15% डिफरेंस होगा, और यही दे रखा है 9000, तो यहाँ पे यही कर देंगे 15% ऑफ x करेंगे 9000 के बराबर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 15 × 90, तो 6000 का 60000 आ जाएगा आपका आंसर इसमें 12 का। 13वां क्वेश्चन, कोई धन 3 वर्षों के लिए एक खास ब्याज पर दर पर उधार दिया जा गया है, यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक कमी हो जाती है तो 90 रुपये कम ब्याज प्राप्त होता है, देखिए कोई धन 3 वर्षों के लिए एक खास ब्याज दर पर उधार दिया गया, यदि ब्याज दर 6% वार्षिक कम हो जाती है तो 90 रुपये कम ब्याज प्राप्त हुआ, धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 वर्षों के ब्याज में अंतर कितना आ गया आपका, मतलब 6% एक साल में हुआ तो 3 वर्ष में कितना 18% आ गया, और यही 18% कितना आपको 90 के बराबर हो जा रहा है, यही तो क्वेश्चन दिया है कि 90 रुपये कम मिल रहा है 3 साल में, तो यही 18% × 90 यही निकाल दीजिए, 18% कितना प्रिंसिपल अमाउंट का होगा कुछ, = 90, 18% किसका होगा मतलब मेन पैसा का 18% होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट।
अठारह पच्चे नब्बे, तो पाँच का फिगर क्या है, 500 रुपये हो जाएगा। चौदह क्वेश्चन है, 45 महिलाओं की 48 दिनों की मजदूरी इतनी है, कितने पुरुष 16 दिनों तक कार्य करें ताकि उनकी कुल मजदूरी इतनी हो, जबकि पुरुष की दैनिक मजदूरी महिला की तुलना में दुगुनी है। ठीक, अब देखिए, एक हमने पढ़ लिखा MDH/W, यहाँ पे क्या एम मेन मतलब आदमी लोग होते हैं, डी क्या डे होता है, एच आवर होता है, और ये वर्क होता है बेसिकली, कितना काम किया। यहाँ काम की जगह पैसा मिल जा रहा है ना, तो पैसा काम और पैसा बराबर है, और जिसको उतना पैसा ज़्यादा मिलेगा जितना वो ज़्यादा काम करेगा, है ना, यहाँ काम पैसा बराबर होता है। तो यहाँ एम दे रखा है, एम मतलब मेन होता है बेसिकली, तो यहाँ पर हम दे रखते हैं 45, वोमेन एक साइड में वोमेन है 45, और 48 दिन है, घंटा एक है, और पैसा काम मतलब पैसा मतलब कितना काम कर रहा है, और डब्ल्यू से वर्क है, तो वर्क कितना है, तो वर्क के प्रोपोर्शन पैसा भी हो जाता है, तो इसलिए हम सीधा वर्क की जगह वो पैसा ही रख दे रहे हैं यहाँ पर। और एक्स मान लीजिए आदमी है, और इसके साथ एक और दे रखा है, पैसा दे या 5750 और फिर 16 कर दीजिए दिन है, और एक और चीज़ दिया जो मजदूरी मिल रहा है ना, इसको दुगना काम मिल रहा है, तो इसको हमको बराबर करना है ना, तो बराबर करना तो डिवाइडेड बाई 5750 × 2 कर देना कर पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा बेसिकली, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक ना, तो यहाँ चला जाएगा, ये अथी हो जाएगा, क्योंकि बराबर हम कर रहे हैं ना। ठीक, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक्स आ जाएगा 25। 14 का 25 हो जाएगा आंसर। 15वां क्वेश्चन है, 7 क्रमिक संख्याओं का योग 70 है, 20 है, तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 7 का औसत 20 है, तो टोटल तो 140 हो जाएगा, क्योंकि औसत इंटू 20 × 7 सबका हो जाएगा। अब मान लेते हैं x माइनस 3 से स्टार्ट करते हैं पहला संख्या, प्लस दूसरा संख्या x माइनस 2 हो जाएगा, प्लस x माइनस 1 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, फिर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस 2 हो जाएगा, तो कितना 6 हो गया, प्लस एक्स प्लस 3 हो जाएगा, तो टोटल 7 संख्या हो गई, और इसका योग दे रखा था आपको इतना 140, तो सब कट जाएगा 3 2 1, इससे 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 कट जाएगा, टोटल 7x बचेगा, x की वैल्यू आ जाएगी इससे 20, और आपको बोला सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ी संख्या तो 20 + 3, एक्स प्लस 3 सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पर, एक्स प्लस 3 और एक्स आपका 20 आ गया, तो एक्स प्लस 3 23 आ जाएगा आंसर सीधा। तो कंजुगेटिव जो नंबर होते हैं एक के बाद एक वाला जो ले रहे हैं आप जैसे से, तो उसमें कुछ नंबर माइनस में ले लीजिए, कुछ प्लस में, ताकि ना जब का योग करेंगे ना आपका कट जाएगा। यदि किसी कूट भाषा में डिकिंसन को ऐसे लिखा है और इसको ऐसे लिखा है, तो देखिए डी का तो दिख रहा है आपको 3 लिख रहा, आई का दिख रहा है 5 लिख रहा, तो पी का देखिए 6 लिख रहा, तो दिख रहा है, तो पिकनिक, तो पी से 6 आ जाएगा, ठीक है, आई को ये 5 लिखा है सही है, सी देखिए यहाँ पे तीसरा है तो 7 लिख रहा है सही है, 6 + 7, फिर एन को देखिए यहाँ से लिख रहा है, ये लास्ट में 0 है, ठीक ना, 0 है तो 0 आ जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, इसमें कुछ इधर उधर चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दोनों में से मिला के कर दीजिए, हो गया। अब यदि किसी कुट भाषा में रेशनल को ऐसे लिखा गया है तो उसी भाषा में क्या लिखा, देखिए आर पहला तो सेम है, ठीक, तो यहाँ पे टी सेम रखिए, फिर दूसरा तीसरा को इंटरचेंज कर दिया ये लोग, टी आर आई आई आर हो जाएगा, मतलब आई आर आई आर आई, ठीक, क्या गया आई ओ आई ओ एन, तो यहाँ पे एन यहाँ पे ला दिया, एन इधर ला दिया और आईओ को शिफ्ट कर दिया, है ना, तो यहाँ पे टी आई आर हो गया, तो एल को आधा ला दें, बी आगे शिफ्ट हो जाएगा, एल को आधा आगे ले जाएंगे, बी आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। एक्स वाई का और एक्स और वाई दो भाई है, ठीक है, एक्स और वाई भाई है,
दो भाई है, मतलब ब्रदर है, ये भी ब्रदर, बी ए का भाई है, बी जो है ना ए का भाई है, ये ब्रदर है, ठीक ना, बॉय है, बॉय है, बॉय है, लेकिन ए एक्स की माँ है, ए जो है ना एक्स की माँ है, ये मतलब ए यहाँ पे आ जाएगा और बी यहाँ पे आ जाएगा, इधर लेवल पे नहीं ऊपर में जाएगा, ए एक्स की माँ है, ठीक, तो बी और वाई का कौन है, हमें बी और वाई के बीच मिलेगा, ये दोनों भाई है तो ए भी इसकी माँ हो जाएगी, और ये बी ना ए की भाई है तो ये मामा होंगे, एक्स और वाई के बी मामा है तो मामा हो जाएगा आंसर, तो 18 का भी ए आंसर है, मामा होंगे। 19वां क्वेश्चन है, यदि विजय कहता है बीजू की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, कहने का मतलब बीजू उसकी माँ मदर है मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, तो इसके माँ विजय कहता है इसकी माँ जो है एकमात्र पुत्री है ये, ठीक, तो विजय इस लेवल पे आ जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा, इस लेवल पे होगा, ठीक, इसकी माँ की एकमात्र पुत्री है, तो विजय और माँ एक भाई बहन होंगे, ठीक ना, तो विजय किस प्रकार बीजू से रिलेशन है, देखो माँ का मामा का रिलेशन है, यदि प्लस और गुणा को और संख्या 3 और 2 को आपस में बदल दिया तो नीचे दिए गए कौन सा समीकरण संतुलित हो जाएगा, ठीक ना, तो करना क्या है, प्लस को इंटू से कर देना है, तो 4 × 6 / 3 को 2 के साथ, यहाँ भी 2 आएगा, −2 × 3 ये हो जाएगा, ये आपको पहले करना पड़ेगा, 3 आ जाएगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, फिर 12 − 6 करेंगे तो 6 आ जाएगा आंसर, तो यहाँ पे एक गलती हो गया, 4 तो प्लस को इंटू से, तो यहाँ भी इंटू को प्लस क्या करना होगा, प्लस को इंटू किए 6 यहाँ पे, और 3 को 2 से करना है रिप्लेस, 6/2, माइनस कुछ नहीं करना है, माइनस को छोड़ देना, 3 है तो यहाँ पे 2 लिखना है, 2 है ये इंटू था तो इसको प्लस करना पड़ेगा, प्लस इंटू 3, तो इसको सॉल्व कीजिए, पहले ये सॉल्व होगा 3 आ जाएगा, फिर 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 12 − 2 + 3 तो 15 − 2 तो 13 आ जाएगा इसका आंसर, तो डी आंसर हो जाएगा, डी। इसमें देखिए हमें क्या गलत संख्या को चुनना है, तो देखने से ही पता चल रहा है सब स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर होना चाहिए था, फिर 7 9 का स्क्वायर है, फिर 11, मतलब प्राइम जो जो आ रहा है ना उसका स्क्वायर किया जा रहा है, फिर अगला 13 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर होगा, 49 आ जाना चाहिए था, तो 48 का 21 का भी आंसर सही गलत सही है ना, याद करें, श्रृंखला के अगली काम को करना है, सी के बाद डी हो गया, ई हो गया, छोड़ दिया, एफ हो गया, जी छोड़ दिया, एच छोड़ दिया, आई छोड़ दिया, आई के बाद होगा जे, आई जे के छोड़ दिया, एल आ जाएगा, तो एल कौन सा है, सी में है और लास्ट में भी है, और एच और जे सेकेंड पोजिशन देख लेते हैं, ए के बाद आ गया बी आ गया, सी छोड़ दिया, बी छोड़ दिया, सी छोड़ डी आ गया, डी के बाद ई छोड़ दिया, एफ छोड़ दिया, जी आ गया, तो जी के बाद एच छोड़ देगा, आई छोड़ देगा, जी आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर डी हो जाएगा, 22 का डी आंसर हो रहा है, एल जे सी। 20वां है, व्यवस्थित कीजिए, ठीक ना, 60 तक, पति दामाद पिता, तो इसका तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं, कुछ दिख नहीं रहा, और
पुत्र के बाद है भाई, इसका कुछ ज़्यादा मतलब है नहीं। भाई के बाद पति, पति के बाद दामाद, दामाद के बाद पिता, तो ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं इसका सेंस का। तो ये कुछ सार्थक वार्थक कुछ है नहीं, इसको छोड़िए। 49 विद्यार्थी की कक्षा में एक्स का दर्जा 18वां है, उसका अंत से दर्जा क्या होगा? अब देखिए, हमने बोला ही कि 1 2 3 चार, चार अगर बच्चे हैं तो इसका पोजीशन इधर से हो जाएगा दूसरा और इधर से हो जाएगा तीसरा। टोटल कीजिएगा तो कितना, 5वां होगा, 5वां होगा। पर ये टोटल कितना है, 4 ही स्टूडेंट है, तो मतलब 5 माइनस 1 टोटल स्टूडेंट है। ऐसे ही देखिए, एक्स का दर्जा 18वां है और इधर से हमको निकालना है, और ये 49 है, टोटल 49 दिया, तो क्या कर लेंगे, 18 प्लस x इक्वल टू 49 माइनस 1, ठीक ना। तो ये कर दीजिए 48, 30 x इक्वल टू 30 हो जाएगा, मतलब पीछे से 30 पोजीशन हो जाएगा। एक्स एक्स प्लस एक्स का दर्जा 18 बार 18, एक्स का दर्जा 18 है, मतलब 18 प्लस, पीछे से मान लीजिए एक्स है, एक्स छोड़ दीजिए, कुछ ए है, ए पोजीशन है, 18 प्लस 1 इक्वल टू 49 प्लस 1, नॉट -1, +1 हो जाएगा यहाँ पे। तो x इक्वल टू 50 माइनस 18, इसका आंसर 32 आ जाएगा, 24 का डी, 24 का डी आंसर हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में कौन से समूह से संबंधित नहीं है? कंबल, तकिया, मच्छर, गद्दा। मच्छर एक अलग चीज़ है बिल्कुल, गद्दा तकिया ये सब सोने पोने का काम आता है। तो देखिए, 21 3 24 3 27 3 30, 30 हो जाना चाहिए था यहाँ पर। अब ये सी डी ई छोड़ दिया, एफ आ गया, एफ के बाद जी ए छोड़ दिया, आई आ गया, आई के बाद जे के छोड़ देगा, एल आ जाएगा, तो 30 का भी डी आ जाएगा आंसर, सॉरी 26 का भी डी आंसर आ जाएगा। 27वां, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो देखिए, 1 3 3 1, ये अपने आप को दिख रहा है कि क्यूब है, ये तो दिख जाएगा आपको, 11 का क्यूब, ये याद है तो ठीक है। ये होता है 7 का क्यूब होता है, याद कर लीजिए। ये होता है 5 का क्यूब, ये तो पता ही है, 25 25 25 नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए, 5 7 फिर 11 13 आना चाहिए यहाँ पे, 13 का क्यूब, 13 का क्यूब में लास्ट में आप देखिए तो इंटू कीजिए, 13 का 169 इंटू 13 कीजिए, तो आंसर आपका आ जाएगा 2197, डी आंसर आ जाएगा। 27 का डी। 28 है, कविता प्रतिदिन योगाभ्यास के लिए रॉक गार्डन जाती है, रॉक गार्डन उसके घर से पूर्व की ओर है, गार्डन से वह सहेली रेखा के साथ घर जाती है जो गार्डन से कि पूर्व की ओर है। रेखा के घर से कविता के घर किस दिशा में? देखिए, कविता प्रतिदिन योगाभ्यास के लिए रॉक गार्डन जाती है, रॉक गार्डन उसके घर से, मान लीजिए उसका घर यहाँ पे है, घर से पूर्व की ओर, रॉक गार्डन यहाँ पे है, पूर्व की ओर है गार्डन से वह, आपको पता है ये पूर्व, पूर्व इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, गार्डन से ये रॉक गार्डन यहाँ पे, से वह अपनी सहेली रेखा के घर जाती है जो गार्डन से पूर्व की ओर है। अब ये गार्डन है तो गार्डन से पूर्व की ओर इधर आ जाएगा, ठीक। तो रेखा के घर से कविता के घर का डिस्टेंस कौन सा, ये भी पूर्व हो जाएगा, मतलब हमें क्या करना है, रेखा के घर से, ये रेखा का घर है और इसके डायरेक्शन में निकालना है, कविता का घर तो इधर है तो इस डायरेक्शन में तो पश्चिम हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित सब समूह में से केवल किसी एक सब समूह के लिए दिए गए शब्द एक दूसरे से किसी तरह से सुसंगत है, असंगत का चयन कीजिए। तो देखिए, एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट, सब जलने के काम आता है, पेंसिल, लैपटॉप, गीजर। पेंसिल तो अलग चीज लिखने के, एल्स एक समूह में दिए गए शब्द एक दूसरे से किसी तरह से सुसंगत है, शब्द केवल एक किसी एक सौ। निम्नलिखित सब समूह में से केवल किसी एक सब समूह में दिए गए शब्द एक दूसरे से किसी तरह सुसंगत है। तो देखिए, पहला जो है ना, इसका पहला ही आंसर हो जाएगा, एलईडी बल्ब सभी जलने के काम आता है, पर इसमें पेंसिल एक अलग चीज़ है, अलग ही चीज़ है। गीजर, लैपटॉप तो जब भी बोल सकते, बैटरी पावर से चलता है। एलसीडी टीवी, झाड़ू, हथौड़ा, ये बिल्कुल अलग, एलसीडी टीवी इलेक्ट्रॉनिक सामान है,
पेचकस रबर मोबाइल फ़ोन। देखिए मोबाइल फ़ोन ये सामान है, पहला ही ऑप्शन सही है क्योंकि सभी एक दूसरे जलाने में काम आते हैं, अंधेरा भगाने में। तीसरा क्वेश्चन है, चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी प्रकार से संगत और चौथा उनमें से असंगत है, ठीक ना? तो निकालना है हमें। तो यहाँ पे करते हैं, यहाँ से जेड और ए आ जाता है, फिर यहाँ पे ए बी आया, बी और वाई आ गया। तो देखिए कहने का मतलब, यहाँ पे ये देखिए ऐसे वाई जेड बी वाई, ठीक ऐसे वाई जेड ऐसे हो गया, ए बी बी वाई, ए बी ऐसे हो गया, वाई के बाद जेड ऐसे आया और ए के बाद बी ऐसे आया, यहाँ पे ओ के बाद पी ऐसे आया, के बाद एल ऐसे आया, ठीक ना? ई के बाद ऐसे आया एफ, ई भी ओ पी, देखिए एस टी, टी के बाद यू आएगा ऐसे, और एफ के बाद ई एफ जी ऐसे आए। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, पर ये अलग है। ई के बाद यहाँ एफ आएगा, भी की जगह एफ आएगा, ठीक ना? इसका आंसर, तीस का आंसर डी हो जाएगा। कितने आयत है, हमें आयत निकालना है, स्क्वायर भी जो दिख रहा है वो सब आयत में आ जाएगा काउंट, है ना? देखिए इस वाले में बहुत बड़ा बड़ा दे रखा है, आपको निकालने में बहुत डिफिकल्टी होगा। तो कोई बात नहीं, पहले एक वाला का निकाल लेते हैं, एक एक का। एक ये हो गया, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा, पाँच हो जाएगा, छः हो जाएगा, सात हो जाएगा, फिर आठ हो जाएगा, एक एक आठ हो गया, ठीक। अब दो को करते हैं, नौ हो जाएगा, ठीक, फिर ये दस हो जाएगा, ठीक, फिर ये ग्यारह हो जाएगा, फिर ये बारह हो जाएगा, ठीक, फिर ये तेरह हो जाएगा, ठीक, फिर ये चौदह हो जाएगा, ठीक, फिर ये पंद्रह हो जाएगा, ठीक, ये सोलह हो जाएगा, ठीक। ये 17, 18, 20, इस बार में करना कुछ है नहीं, आप काउंट करते रहिए, 18, 19, 20, 23, 24 निकल जाएगा आंसर दिया हुआ, आप देख लीजिए। अदरवाइज इसका ऐसे क्वेश्चन करने का मतलब है नहीं, एग्जाम में ये क्वेश्चन बनाने जाएगा खराब होगा। अब जिसमें 5, 6, 7, 8 होता है वो सब ठीक है, ये 20, 22 जिसमें उसमें निकालने का कोई मतलब नहीं है। 32वां क्वेश्चन नहीं, अगर किसी कोड में 134 अच्छा और स्वादिष्ट है और 478 का अर्थ है अच्छी पिक्चर देखो और 729 का अर्थ है पिक्चर धुंधली है, तो अंक का अर्थ क्या है देखो, इस अंक का अर्थ देखो। अब देखिए इस अंक का देखो पहले आया किस में, यहाँ पे है, ठीक। तो कहने मतलब अच्छी का हम पता कर लेते हैं, अच्छा या अच्छी का, अब देखिए इसमें पिक्चर है, इसमें भी पिक्चर है, तो इस दोनों में कौन सा कॉमन है आप देख सकते हैं, आप 7 2 9 तो 7 कॉमन है, तो पिक्चर का हो गया 7, पिक्चर 7 से बन गया, ठीक। तो बचा 4 8, और देखिए इसमें अच्छा अच्छा और अच्छी कॉमन है, तो दोनों में नंबर कौन सा कॉमन है, 4 कॉमन है, 134 और 478 में 4 कॉमन है, तो अच्छा का मतलब 4 हो गया, ठीक। तो 4 7 चला गया, बचा 8, तो 8 हो जाएगा आपका देखो का मतलब दिए गए, तो इसका आंसर कौन सा होगा, 32 का आपका हो जाएगा सी। 33वां क्वेश्चन, दिए गए समीकरण में दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलने का समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए माइनस पर दे ही रखा है, अब 34 लाना है, तो मतलब 36 में से ये जो है ना बहुत कम नंबर माइनस होना चाहिए, बहुत कम नंबर, ठीक। तो डिवीजन को तो रहने दीजिए ताकि एक ही माइनस हो, क्योंकि तीन को इधर माइनस डिवीजन लाइएगा तो देखिएगा तो डिवाइड भी नहीं होने वाला, 2/4, 3/2 डिवाइड भी नहीं होना, तो डिवीजन को मोस्ट प्रॉब्ली वहीं पे होना चाहिए, मोस्ट प्रॉब्ली। अब देख लेते हैं, हम डिवीजन वाले को छोड़ देते हैं, अब देखिए माइनस प्लस वाले को देखते हैं और माइनस इंटू वाले को देखते हैं, पहले माइनस और इंटू वाले को देखते हैं, माइनस और इंटू यहाँ पर ला देंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, इसलिए इसको रहने देते हैं, माइनस और प्लस को देखते हैं, बेस्ट ऑप्शन यही है।
इसको प्लस किया, इसको माइनस किया, सपोज कीजिए 36, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस माइनस 8, ये तो नहीं आ रहा, तो ये तो नहीं होने वाला, तो माइनस और प्लस को करते हैं, इसको इंटू हो गया और ये माइनस हो गया, ये तो 1 आ जाएगा था ना, तो 36 प्लस 2 माइनस 4, ठीक, तो 36 दो 38 और माइनस 4, तो मतलब बी आंसर है इसका, बी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। डिवीजन वाले को कोशिश देख के नंबर से पता चल रहा है कि डिवीजन आप लाइएगा ना, इधर मान लीजिए इधर शिफ्ट कीजिए, इधर शिफ्ट कीजिए, और इसमें कम शिफ्ट करने का जरूरत है क्योंकि ये माइनस 36 माइनस 34 मतलब 36 से कुछ ही कुछ माइनस हो रहा होगा, इधर कुछ कैलकुलेशन होगा 2 के बराबर, इसलिए इसको माइनस को टच ना ही करें तो अच्छा है, नहीं करें, पर हम बाद में कर रहे हैं, अलग चीज़ है। तो इस माइनस को टच करने के लिए हमने क्या डिवीजन को देखा कि डिवीजन को शिफ्ट करने से फ़ायदा नहीं है ज़्यादा, तो इधर में शिफ्ट कीजिएगा तो डिवाइड ही नहीं होगा, 3/2, 2/4, ये सब फ्रैक्शन में आ जाएगा आंसर, भिन्न में आ जाएगा आंसर, ठीक ना। तो अब 34वां क्वेश्चन देखिए, डैश बी डी आपको कैसे किया, इसको देखिए यहाँ से बहुत सारा बन जाएगा, देखिए डी है बी है, डी है बी है, उसके पहले फिर क्या है, डी है, उसके पहले सी है, बिल्कुल सी है, उसके पहले ए है, तो ए यहाँ पे कर दीजिए, ठीक, तो उसके बाद क्या हो जाए, ए सी डी बी डी, ठीक, फिर यहाँ पे क्या है, डी बी है, यहाँ पे देखिए डी बी था, डी बी के बाद यहाँ पे देखिए डी बी था, इसके बाद फिर से डी था, तो इसलिए हमने डी कर दिया यहाँ पे, तो ए आ गया यहाँ पे, यहाँ पे आया मतलब यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा, मतलब क्योंकि यहाँ पे 2A हो गया, यहाँ भी 2A हो जाएगा, फिर ए के बाद क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, तभी डी बी, तो इस तरह से हमने कम्प्लीट किया, ये जो सबसे ज़्यादा नंबर था ना ए सी डी, इसको यूज़ किया, इसको यूज़ किया हमने। अधिसमा क्वेश्चन है, विकलांग संबंध कर, यहाँ देखिए तो ये हमें दिखाना है, बहन महिलाएं माताएं, ठीक, फादर्स मेल्स डॉक्टर, इंजीनियर ब्रदर मेल्स, मेल्स फादर सन्स, देखिए मदर जो होती है, फीमेल जो होती है, कुछ फीमेल सिस्टर होती है, सभी फीमेल ऐसा नहीं कि सिस्टर ही होती है, कुछ लोग, और सभी मदर होती है ऐसा नहीं, मतलब फीमेल हो गई, मतलब ये आंसर तो बिल्कुल अपने आप में अलग है, ये दोनों तो चेक ही नहीं करना है, क्योंकि फादर मेल्स और डॉक्टर ये बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल अलग है, कोई रिलेशनशिप नहीं, वो तो एक पोस्ट है, वो तो अलग हो गया, इंजीनियर भी एक पोस्ट हो गया, इसीलिए हम इस पर फोकस ही नहीं करेंगे, बी और सी ऑप्शन में फोकस करेंगे हम, ए और डी में। अब देखिए सिस्टर फीमेल मदर को लेंगे पहले, मान लीजिए सबसे बाहर वाला फीमेल हो गया, उसके अंदर हो गया मेल, पक्का है कि पहले वाला तो बाहर वाला तो पक्का फीमेल हो, फीमेल होगा, फिर उसके अंदर मेल हो गया, फिर उसके अंदर सिस्टर हो गया, तो क्या सभी सिस्टर मदर होती है, नहीं होती, ज़रूरत नहीं है। अब उल्टा कर जाए, फीमेल हो गया फिर सिस्टर हो गया फिर मदर होता है, क्या सभी मदर सिस्टर होती है, ये ज़रूरत है क्या, हो सकता ज़रूरत हो, क्योंकि सभी मदर सिस्टर हो सकती है। अब इसमें देखिए मेल, मेल को मान लीजिए बाहर रख देता है, पुरुष को बाहर रख दिए, फिर उसके अंदर आपने रख दिया पिता फादर, तो भाई फादर के अंदर में सन्स आ गया, सभी सन्स के फादर होते हैं, सभी सन्स है तो वो फादर होते हैं, फादर के अंदर में आएंगे, और सभी फादर मेल हैं, बिल्कुल सही है। पहले पहले केस में क्या था, क्या सभी सिस्टर जो बहनी है सभी मदर है, ये जो मदर हमने लिया ये वाला, क्या सभी सिस्टर मदर है, ज़रूरत नहीं है कि सभी सिस्टर मदर है, बहुत सारी कुंवारी है, इसलिए ए नंबर नहीं होगा और डी नंबर हो जाएगा। 36वां देखिए, ये क्या किया है, इसको इंटू कीजिए माइनस कीजिए, 48 + 10, 48 - 10 तो 38 आ जाएगा, इसमें देखिए 9 × 36 + 15 कीजिए -15 तो 21 आ जाएगा, तो ऐसे 4 × x -6, 6 के बराबर होना, तो 6 × 12 4 × 12 3 इसका आंसर आ जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा, तो 4 × 12 -6 आ जाएगा इसका, ठीक है। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में निकालों में सुबह चुनिए जो
नहीं बना सकते। तो इससे कौन कौन सा नहीं बन सकता देख सकते, टी आपका है ही, आर है ही, पहले ऊपर ऊपर देख लिया, आपको पता चल रहा है क्या। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आर है ही, ओ है ही, यू भी है, टी भी है, ई है, तो बन गया, जी है, ई है, एन है, डबल ई है, ठीक है, आर है, ए नहीं है, ठीक ना, ए इसमें नहीं है हेट्रोजीनस में, तो ए नहीं है तो बने, ये नहीं बन पाएगा, बीस का आंसर हो जाएगा। और तीसवा देखिए, अब देखिए तीन है तो तीन इंटू तीन तो नौ आ जा रहा, ठीक, नौ तीन सत्ताईस, ये नहीं आ रहा, तो इस तरह से हम नहीं सोचेंगे। फिर देखेंगे क्या अलग तरीके से, थ्री स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर अठारह बटा दो कर देंगे तो नौ आ जाएगा, ठीक है, इसको करेंगे फिर थ्री स्क्वायर प्लस नौ स्क्वायर, नौ नौ इक्यासी प्लस नौ नब्बे होता है, नौ बटा नब्बे बटा दो करेंगे तो पैंतालीस आ जाएगा, वाह सही बैठ गया, तो चाचों को सोलह प्लस छत्तीस करेंगे तो ये हो जाएगा बावन, बटा दो करेंगे तो छब्बीस आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे दो दो स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर डिवाइड बाई दो करेंगे तो चार आ जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर चार हो जाएगा, अड़तीस का चार हो जाएगा, बी आंसर ऑप्शन हो जाएगा। उनतीस उनचालीसवां क्वेश्चन है, लेट चल रही ट्रेन से यात्रा करते समय यात्री उत्तेजित हो जाते हैं और कुछ कठोर कदम उठाने जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आप भीड़ की तत्काल कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, गलत के लिए कौन प्रोत्साहित करेगा, एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं करना है, उन्हें स्टेशन पर एक प्रतिनियुक्ति देने के लिए कहेंगे, हाँ ये हो सकता है, जितनी जल्दी हो सके जगह छोड़ देंगे, तो वो तो कायरों का काम है, इनमें से कोई नहीं, तो देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आप कागज़ कानूनी कार्रवाई कीजिए, मतलब कागज़ के तौर पर लिखित तौर पर दीजिए, यही सब चलते रहता है, ठीक। चालीसवां क्वेश्चन दिया है कि कोई फल वृक्ष नहीं है, फल रूट वृक्ष यहाँ पे ट्री, तो ऐसा आ जाएगा, फल बाहर आ जाएगा, ट्री इधर आ जाएगा, सभी पुष्प वृक्ष हैं, फ्लावर इसके अंदर आ जाएगा, फ्रूट ये आ जाएगा, फ्लावर अंदर में आ जाएगा, क्योंकि सभी पुष्प जो है ना फ्लावर वृक्ष है, तो ट्री के अंदर में आना चाहिए। अब देखिए ये बनने वाला आपका, अब यही निकालना है, कोई वृक्ष पुष्प नहीं है, कोई वृक्ष पुष्प नहीं है, गलत है ये आंसर, बहुत सारा इसके अंदर में जो ट्री है वो पुष्प है, कुछ वृक्ष पुष्प है, कुछ वृक्ष पुष्प है, बिल्कुल सही है ये, सभी पुष्प फल है, सभी पुष्प यहाँ पे फल है, बिल्कुल एक भी नहीं पुष्प फल है, ये गलत है, इनमें से कौन सा, इसका आंसर बी हो जाएगा, चालीस का बी हो जाएगा। तो देखिए ये था आपका चालीस क्वेश्चन सेट नंबर पाँच के, इससे पहले जो सेट कर दिया गया ये सेट में या किरण पब्लिकेशन के सेट में या आपके प्लेटफॉर्म के सेट में, किसी भी प्रैक्टिस सेट में आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, नीचे कमेंट कीजिए और हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।